इन ऑर्किड्स को मैंने, ये देखिए, इसे लकड़ी के पटरे में मैंने माउंट किया हुआ है, और इसे भी देखिए, इसे भी लकड़ी के पटरे में माउंट किया हुआ है, और पीछे ये जो लटक रहा है इसे मैंने नारियल के खोपरे में माउंट किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं इनके प्लांटेशन के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ, और इनका ग्रोथ बहुत ही विग्रस चल रहा है, और इससे आपको यह पता लग जाएगा कि अगर आप ऑर्किड प्लांट उगाना चाहते हैं तो इसे किस मौसम में लगाना बेहतर होगा, उत्तम होगा। और यदि आप एक ऑर्किड प्लांट लवर हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। तो मैं ये देखिए दोस्तों, मैं ये चीकू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, और इसी में हमारा ये ऑर्किड प्लांट्स को मैंने लटका करके रखा हुआ है। और ये जो है चीकू का पेड़, इसे एक ऑप्टिमम सनलाइट देता है, और इसमें से जो सनलाइट आता है डायरेक्ट नहीं आता है, वो इनडायरेक्ट सनलाइट आता है, और वो छन छन करके आता है। तो चलिए मैं आप लोग को इसका जो अपडेट आपको दिखाना चाहता हूँ वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये इसे हम उतार लेते हैं, ये देखिए, इसको नीचे रख देते हैं, ये वाले को भी हम उतार लेते हैं, ये देखिए, तो चलिए अब मैं दिखा देता हूं इसमें क्या ग्रोथ, क्या विग्रस ग्रोथ नजर आ रहा है। और इसमें देखिए अभी काफी सारे न्यू ग्रोथ नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये न्यू रूट्स का ग्रोथ हो रहा है, ये इधर न्यू रूट्स का ग्रोथ हो रहा है, ये यहाँ से भी देखिए, ये निकल रहा है इधर न्यू रूट्स, और इधर भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ इसने तो पत्ते को ही पकड़ लिया है, ये और एक रूट ये इधर पीछे की ओर चला जा रहा है, ये देखिए, ये सरप्राइजिंगली देखिएगा इसके अंदर भी काफ़ी सारे रूट्स का ग्रोथ हो रहा होगा, और ये जो है इस वुडन बोर्ड को पकड़ ले रहा होगा। देखिए पूरा इसमें रूट का ग्रोथ होता जा रहा है, और इसने शानदार तरीके से पकड़ लिया है। आप लोगों को मैं अपने फैलेनोप्सिस ऑर्किड का जो रूट में ग्रोथ नज़र आ रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक छोटा सा प्लांट था जिससे मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, और इसमें भी काफ़ी विग्रस ग्रोथ नज़र आ रहा है। ये देखिए इसके रूट्स देखिए, ये पूरे भर भर कर इसमें रूट्स आ रहे हैं, और अब इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए ये रेडी है। तो इसका ट्रांसप्लांटेशन का भी वीडियो मैं आगे आने वाले दिनों में बनाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने देखा कि इस सीज़न में यानी कि जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक हमारे ऑर्किड्स में विग्रस ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यदि आप एक ऑर्किड लवर हैं तो इस सीज़न में आप ऑर्किड ज़रूर लगवाइए, और मैंने तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्किड्स ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया है ताकि मैं इसे अभी लगा सकूँ और उनका ग्रोथ बढ़िया तरीके से हो सके, क्योंकि ठंड की शुरुआत होते होते ये सारे डोरमेंसी में चले जाएंगे, और उससे ही पहले हमें इसमें से अच्छा ग्रोथ पाना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आने वाले दिनों में मैंने जो ऑर्डर किया है, जो मैंने ऑर्किड्स ऑर्डर किया है इसका वीडियोस भी मैं डालूंगा, तो यदि आप वो देखना चाहते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप इसका स्पॉटिंग देखना चाहते हैं, इसका प्लांटेशन देखना चाहते हैं कि इसे मैंने किस प्रकार से इस पटरे में लगाया है, तो इस नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। तो फिर मिलते हैं किसी और प्लांट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।